एवरीवन, वेलकम टू प्रसन्न स्टडी, अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर क्वेरीज। दिस इज अवर डेली करंट अफेयर शो एंड टुडे वी विल डिस्कस द करंट अफेयर ऑफ 30th मे। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर सेशन को एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ वेबिनार ऑन वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 एज इन एसोसिएशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ट्राइफेड। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ट्राइफेड के एसोसिएशन में कौन सी स्टेट ने एक वेबिनार वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 को ऑर्गेनाइज किया। एंड द करेक्ट आंसर इज राजस्थान। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीन्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। राजस्थान गवर्नमेंट ने ट्राइफेड मीन्स ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ट्राइबल्स हैं मीन्स जो आदिवासी लोगों की मदद करने के लिए वंदन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर नो योर स्कीम के अंडर एक वेबिनार का आयोजन किया है। एंड और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरीगेशन इनॉग्रेटेड। कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरीगेशन को इनॉग्रेट किया। एंड द करेक्ट आंसर इज लद्दाख। एनिमल सीप हस्बेंड्री एंड फिशरीज के डायरेक्टर मोहम्मद रजा ने इसको फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरीगेशन को इनॉग्रेट किया एट याक ब्रीडिंग फार्म में। इसमें 5 किलोवाट सोलर प्लांट और 3 HP सबमर्सिबल पंप है। इससे जो भी शॉर्टेज ऑफ वाटर की प्रॉब्लम है लैंड को इरीडेट करने के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हु हैज चेंज्ड द नेम ऑफ डब्ल्यू फर्स्ट दैट इज वाइट फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप टू नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। किसने डब्ल्यू फर्स्ट का नाम चेंज करके नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप में रीनेम किया। एंड द करेक्ट आंसर इज नासा। ये इट्स अ नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप। ये एक नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप है जो 2025 में लॉन्च किया जाएगा। और जो भी लॉन्ग स्टैंडिंग एस्ट्रोनॉमिकल हिस्ट्रीज हैं लाइक यूनिवर्स एंड एक्सपेंशन डिस्टेंट प्लांट इन सबको वो इन्वेस्टिगेट करेगा। इसको रीनेम इसलिए किया गया बिकॉज टू ऑनर नैन्सी ग्रेस रोमन। नैन्सी ग्रेस रोमन को ऑनर करने के लिए ये रीनेमिंग हुई है। वो US स्पेस एजेंसी की फर्स्ट चीफ एस्ट्रोनॉमर हैं। उनको मदर ऑफ नासाज हबल स्पेस टेलीस्कोप बोला जाता है। मुजतबा हुसैन पास्ड अवे, ही बिलोंग्स टू विच फील्ड। मुजतबा हुसैन जिनका निधन हो गया वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज राइटर। ही वॉज अ उर्दू राइटर। वो एक उर्दू राइटर हैं। बुक्स और न्यूज़पेपर में उनकी उर्दू राइटिंग के लिए उनको जाना जाता है। 2007 में इनको पद्मश्री अवार्ड से ऑनर किया गया था। और इन हिज वर्क इंक्लूड्स जापान चलो जापान एंड कॉलम्स इन सियासत। सियासत में इनका वर्क जो इंक्लूड है वो जापान चलो जापान एंड कॉलम्स है। इनको मार्क ट्वेन ऑफ उर्दू के नाम से भी जाना जाता है। ये उर्दू के मार्क ट्वेन के नाम से जाने जाते हैं। हु लॉन्च्ड कैचअप कॉलिंग एप्लीकेशन। किसने कैचअप कॉलिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया। एंड द करेक्ट आंसर इज फेसबुक। फेसबुक ने एक कैचअप कॉलिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसमें जो भी यूज़र्स है वो ये इंडिकेट कर सकते हैं कि वो अवेलेबल है अब फॉर टॉक एंड कॉल। वो बात करने के लिए कॉल करने के लिए जो भी फैमिली फ्रेंड मेंबर्स हैं उनको ये इंडिकेट कर सकते हैं कि नाउ दे आर अवेलेबल। इसको न्यू प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंटेशन टीम ऑफ फेसबुक ने डेवलप किया। इस ग्रुप कॉलिंग में अप टू 8 मेंबर्स ग्रुप कॉलिंग कर सकते हैं। फेसबुक का हेड क्वार्टर कैलिफोर्निया है और इसके CEO मार्क जुकरबर्ग हैं। NCSTC लॉन्च्ड विच वर्जन ऑफ कोविड कथा। NCSTC ने कोविड कथा की कौन सी वर्जन लॉन्च किया। एंड द करेक्ट आंसर इज हिंदी। NCSTC ने कोविड कथा का हिंदी वर्जन लॉन्च किया। NCSTC मीन्स नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन विद डॉक्टर अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट। NCSTC और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने
डॉक्टर अनामिका ने मेमोरियल ट्रस्ट के एसोसिएशन में इसको इस वर्जन को लॉन्च किया। इस बुक में COVID-19 की A to Z रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है एंड इसका इंग्लिश वर्जन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है एंड दिस बुक इज़ ऑल्सो ट्रांसलेटेड इंटू खासी, तमिल, बंगाली एंड एसामीज वर्जन। हु अटेंडेड द स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक? किसने स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक को अटेंड किया? न्यू डेवलपमेंट बैंक ने एक स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नर मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था, उसको इंडिया से किसने अटेंड किया? एंड द करेक्ट आंसर इज निर्मला सीतारमन। एंड कुछ ही समय में NDB ने $16.6 बिलियन के लिए मेंबर कंट्रीज को 55 प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दिया है। NDB ने मिस्टर मैक्रोस ट्रेजो जो ब्राज़ील से हैं उनको NDB का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है और मिस्टर अनिल किशोरा जो इंडिया से हैं उनको एज अ वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। NDB का हेडक्वार्टर संघई चाइना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द ओलंपिक चैनल कमीशन बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने किसको एज अ मेंबर ऑफ द ओलंपिक चैनल कमीशन अपॉइंट किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज नरेंद्र ध्रुव बत्रा। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चैनल कमीशन का मेंबर अपॉइंट किया गया है। ये इस समय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के हेड हैं। विच कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्म हैज पार्टनर्ड विथ ताज सेट्स टू प्रोवाइड स्पेशली मेड न्यूट्रिशियस मील पैकेट्स फॉर मेडिकल स्टाफ इन सफदरगंज हॉस्पिटल न्यू दिल्ली? कौन से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्म ने ताज सेट्स के साथ पार्टनरशिप किया है जिससे वो स्पेशली न्यूट्रिशियस मेड मील पैकेट्स को जो भी सफदरगंज हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में मेडिकल स्टाफ हैं उनको प्रोवाइड किया जा सके? एंड द करेक्ट आंसर इज REC फाउंडेशन। REC फाउंडेशन जिसको रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन बोलते हैं, मीन्स ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, उन्होंने ये पार्टनरशिप किया है विथ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। REC पहले से ही डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, NGO और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ मिलकर पूरे देश में ज़रूरतमंदों को पका हुआ भोजन और राशन प्रदान कर रहा है। हर दिन नई दिल्ली के फ्रंटलाइन हेल्थ केयर योद्धाओं के लिए 300 फूड पैकेट को आभार के रूप में दिए जा रहे हैं। अब REC ताज सेट्स पहल के साथ न्यू दिल्ली में 18,000 से अधिक भोजन वितरित किए जाएंगे। REC का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, इसके CMD अजीत कुमार अग्रवाल हैं। ताज सेट्स का हेडक्वार्टर मुंबई है, इसके चेयरमैन पुनीत छतरवाल हैं। हु बिकेम द न्यू CMD ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया CMD किसको अपॉइंट किया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज SN राजेश्वरी। SN राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का CMD अपॉइंट किया गया। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने न्यू इंडिया एश्योरेंस के जनरल मैनेजर SN राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का CMD अपॉइंट किया है। ये AV गिरिजा कुमार को रिप्लेस करेंगी। सी विल रिप्लेस AV गिरिजा कुमार। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। अकॉर्डिंग टू फिच फोरकास्ट, इंडियाज GDP ग्रोथ रेट विल कॉन्ट्रैक्ट टू हाउ मच परसेंट इन फिजिकल ईयर 21? फिच फोरकास्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की GDP ग्रोथ रेट फिजिकल ईयर 21 के लिए कितने परसेंट से कॉन्ट्रैक्ट करेगी? एंड द करेक्ट आंसर इज 5%। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक के अकॉर्डिंग फिच रेटिंग के अनुसार इंडिया का GDP ग्रोथ रेट 5% से कॉन्ट्रैक्ट करेगा फॉर द फिजिकल ईयर 2021। इट्स बिकॉज ऑफ स्लो डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड वेरी स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन पॉलिसी। लॉकडाउन की वजह से और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में स्लो डाउन हुआ है उसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। वाइल द ग्लोबल GDP ग्रोथ रेट हैज़ बीन फोरकास्टेड टू फॉल बाई
4.6% इन 2020 में ये 4.6% से फॉल होगा। हु हैज़ लॉन्च्ड अ व्हाट्सएप चैट बोट टू एड्रेस राइट इशू क्वेरीज। राइट इशू क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए किसने व्हाट्सएप चैट बोट को लॉन्च किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऑफर पर अपने 2.6 मिलियन शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डर्स के प्रश्नों के आधिकारिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए व्हाट्सएप चैटबोट को लॉन्च किया है। इसको जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजीज ने डेवलप किया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नेक्स्ट प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज मैक्रॉस ट्रोइजो। मैक्रॉस ट्रोइजो एनडीबी के प्रेसिडेंट बनेंगे। फ्रॉम 7 जुलाई 2020 से वो अपनी चार्ज पर आ जाएंगे। एंड ही वॉज इलेक्टेड ड्यूरिंग द स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग ऑफ एनडीबी। एनडीबी का जो स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नर मीटिंग हुआ था उस टाइम इनको इलेक्ट किया गया। अभी पीछे के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इसको इंडिया से निर्मला सीतारमन जी ने अटेंड किया था, तब उस मीटिंग में ये अपॉइंटमेंट हुआ था। गवर्नमेंट विथड्रू द हाउ मच परसेंट सेविंग बॉन्ड स्कीम ड्यू टू डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में डिक्लाइन की वजह से गवर्नमेंट ने सेविंग बॉन्ड स्कीम को कितने परसेंट से विथड्रू किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज 7.75%। इंटरेस्ट रेट में डिक्लाइन की वजह से गवर्नमेंट ने सेविंग बॉन्ड स्कीम, जिसको आरबीआई बॉन्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड भी बोलते हैं, उसको 7.75% से सीज किया है, मीन्स बंद कर दिया है। आरबीआई ने शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट को भी कम कर दिया है, जो करेंटली 4% है। एडीबी एंड इंडिया साइंड $177 मिलियन लोन फॉर रोड इम्प्रूवमेंट इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में रोड इम्प्रूवमेंट के लिए एडीबी और इंडिया ने $177 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के 7 जिलों में 11 स्टेट हाईवे और 2 मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को 450 किलोमीटर की लंबाई के साथ और टू लेन स्टैंडर्ड के साथ अपग्रेड करने के लिए $177 मिलियन लोन का एग्रीमेंट साइन किया है। ये रूरल एरियाज़ और अर्बन सेंटर के संपर्कों को बढ़ाएगी ताकि ग्रामीण समुदायों को बेहतर बाजार, रोजगार के अवसर और सेवाएं मिल सके। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। ये हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वासिम जैफर अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट ही हेल्ड फ्रॉम विच स्टेट। वासिम जैफर जिन्होंने अपने रिटायरमेंट को अनाउंस किया है वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राची चौधरी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। प्राची चौधरी किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज हुनर हाट इज द फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। हुनर हाट कौन सी मिनिस्ट्री का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। For the PDF of the video, join our Telegram group. The link is given in our description box. Bye-bye guys. Take care. Keep watching. Keep learning. Thank you so much.